आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद आवश्यक है। अचानक ही तुम्हारे जीवन में कुछ चमत्कारित घटित होने वाला है। यह घटना परे ही रहस्य में होंगे तुम्हारे लिए। जैसे पार्क में फूल खिलते हैं, एक सुंदर अद्भुत बगीचा जिसे देखकर मन बेहद हर्षित हो जाता है, जिसके वातावरण में कुछ पल बैठने से ही ऐसा लगना जैसे ईश्वर की छाया में हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन को इसी ओर ले जा रहा हूँ। मैं तुम्हें जिस मार्ग पर ले जा रहा हूँ वह अद्भुत फूलों से बना होगा, जहाँ चलते हुए तुम्हें चारों ओर आनंद की अनुभूति होगी। तुम्हें तनिक भी चिंतित में होने की आवश्यकताएं नहीं है कि तुम इस मार्ग पर कैसे पहुंचोगे। मैं स्वयं आऊंगा। तुम्हें इस मार्ग पर पहुंचाने के लिए, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए, जो भी इस उच्चतम मार्ग तक पहुंच जाता है वह अपने जीवन के उद्देश्यों को भली भांति समझ जाता है। उसका उद्देश्य क्या है इस जीवन में आने का, और वह अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपने मार्ग की ओर बढ़ता है। उसके जीवन में फिर दुख कभी नहीं आता, क्योंकि वह मुझसे ही प्रेरित हो जाता है। वह व्यक्ति जान पाता है कि वह ईश्वर की संतान है, चाहे फिर वह किसी भी भाग से इस दुनिया में ही हो। वह व्यक्ति ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जान पाता है, फिर उसके हृदय में किसी भी चीज का डर नहीं होता। तुम्हारे लिए अत्यंत प्रसन्न हूँ मैं, क्योंकि एक दिन तुम भी मेरे द्वारा बनाए गए इस प्यारे से मार्ग पर पहुंच जाओगे। तब सब कुछ बदल जाएगा। पूरी सृष्टि इस बदलाव की साक्षी बनेगी। तुम्हारे समक्ष ऐसे ऐसे रहस्य खुलेंगे जिससे तुम्हारी आंखें खुल जाएगी कि तुम इस भ्रम में ही जी रहे थे, क्योंकि तुम प्रकृति को अपने वास्तविक रूप में देखोगे और ऐसे में सब कुछ बदल जाता है। तुम अपने जीवन को एक नए मार्ग की ओर ले जाते हो। तब ईश्वर का निर्णय लेने का समय आता है। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि चमत्कार कैसे होता है और किन लोगों के साथ होता है? जादू हो या चमत्कार हो, यह तब होता है जब तुम चाहते हुए भी हार नहीं मानते हो।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैं तुम्हें अपनी शक्तियां दे रहा होता हूँ। जैसे ही तुम्हारे अंतर मन में यह सारी बातें स्पष्ट होने लग जाती है, उसी दिन तुम्हारी प्रतीक्षा का समय समाप्त होने लग जाता है। मैं जानता हूँ कि तुम अपने जीवन में चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हो। बस धीरज रखो, क्योंकि मैं स्वयं से आकर केवल उन्हीं लोगों की सहायता करता हूँ जो अपने ऊपर और मुझ पर विश्वास रखते हैं, जो अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें धैर्य का फल अवश्य ही मिलेगा, किंतु एक सही समय पर, जब तुम उस मार्ग पर पहुंच जाओगे जहां मैं तुम्हें लाना चाहता हूं, वह इसलिए क्योंकि समय से पहले चीज अगर तुम्हें मिल जाए तो वह अस्थाई रूप से तुम्हारे पास नहीं रहेंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें केवल यही बता रहा हूँ कि तुम्हें तुम्हारी इच्छा से भी अधिक और सर्वश्रेष्ठ मिलेगा। अब यह समय आ गया है कि तुम्हें यह खुशखबरी दी जाए कि तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। तुम्हें सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। तुमने बहुत समय से अपने उद्देश्यों के लिए मेहनत भी बहुत की है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसे चमत्कार होंगे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। Type yes if you believe divine miracles. Yes, yes, yes. Thank you.